लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। गुरुवार देर रात तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी के सभी दिग्गज मौजूद थे। बताया जा रहा है कि सीईसी की बैठक में बीजेपी ने अपने 100 उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 11 बजे केंद्रीय कार्यालय पर आए थे और सुबह 3:30 के करीब निकले। बैठक में पहली सूची पर मंथन हुआ। सूत्रों का कहना है कि 1-2 दिन में पहली लिस्ट आ सकती है। देर रात सीईसी की बैठक में जिन राज्यों पर चर्चा हुई उनमें मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, असम, तेलंगाना, केरल समेत अन्य राज्य शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री जो राज्यसभा सांसद है उनके आगामी चुनाव लड़ने की संभावना है, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल है। अभी हाल ही में हुई बीजेपी की रायशुमारी में ग्वालियर में सिंधिया के चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा समर्थन मिला था, जबकि गुना शिवपुरी सीट से भी बीजेपी उन्हें चुनाव लड़वा सकती है। हालांकि गुना शिवपुरी से मौजूदा सांसद केपी यादव काफी तगड़े दावेदार हैं, क्योंकि सूत्रों की माने तो बीजेपी ओबीसी सांसदों के टिकट काटने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला हुआ कि पार्टी महिला चेहरों समेत नए चेहरों पर ध्यान केंद्रित करेगी। हालांकि पार्टी भोपाल से मौजूदा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काट सकती है, क्योंकि वह अक्सर विवादों में रहती है। पार्टी सूत्रों की माने तो भोपाल से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ाया जा सकता है। आपको बता दें, इस बार मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 सांसदों के विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। इन 7 सांसदों में से 2 को हार मिली थी। माना जा रहा है कि राव उदय प्रताप, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, रीति पाठक, गणेश सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते का टिकट कट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।